देखिए, कश्मीर में ऐसी हालत नहीं है इस वक्त लोगों की कि वो कोई भी टैक्स दे, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो। ऊपर से पहले ही GST ने यहाँ पर लोगों की कमर तोड़ रखी है, और पिछले 30-32 सालों से जो यहाँ पर हालात ख़राब रहे हैं उस वजह से यहाँ पर लोगों की फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और अगर सरकार को लगाना चाहिए था प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ पर हमारे जो अभी डेलीवेजर है, जो 19-18-20-20 साल से अभी वो रेगुलर नहीं हुए हैं, वो भी अभी तक ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। और ऊपर से सरकार की तरफ से कभी एक आर्डर आता है, कभी दूसरा आर्डर आता है, इम्प्लीमेंट होते हैं यहाँ पर आर्डरों की। लेकिन यहाँ पर जो सरकार ने लोगों को ख्वाब दिखाए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यहाँ के मसाइल हल होने वाले हैं, तो आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों से लोगों की क्या हालत है। वो मुझे बताइए कहाँ से देंगे लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स। लोगों के पास अभी खाने को कुछ नहीं, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, और वो वहाँ से कहाँ से देंगे प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ के लोगों ने लाखों रुपए बैंक से लोन लिया है, तभी जाकर एक घर बनाया है। और दूसरा मसला जो यहाँ पर बेरोज़गारी का मसला है, यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी है कि तो मुझे बताए एक बेरोज़गार नौजवान, एक बेरोज़गार शख्स जो दिन में यहाँ पर उसको आज मजदूरी भी नहीं मिलती, तो कहाँ से देगा प्रॉपर्टी टैक्स। और जहाँ तक SMC का ताल्लुक है, हमने कल भी इसकी मजम्मत की है, आज भी इसकी मजम्मत करते हैं। अगर SMC के पास ऐसा कोई भी आर्डर पहुँचता है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारी SMC पिछले 3-4 सालों से तो इन लोगों ने नॉन फंक्शनल रखी है। वहाँ पर कोई काउंसिल वहाँ पर लगती भी नहीं है, और वहाँ पर चंद कुछ ऑफिसर आते हैं, तो चाहे वो डेप्टेशन पर हो या किसी और जगह से आए हो, तो वहाँ पर पेदर पे जो आर्डर निकलते यहाँ पर लोगों पर थोपा जाता है। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे कि यहाँ पर कश्मीर में लोगों की ऐसी हालत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सके। यहाँ पर लोग बिजली फीस भी नहीं भर सकते, यहाँ पर राशन कार्डों पर लाइन लगी है, वहाँ पर भी आज 4 या 5 किलो वहाँ पर उनको चावल मिलता है, यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए, तो कहाँ से देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लोग। देखिए, हम लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को आराम पहुँचाना। जहाँ पर भी हमें लगे कि लोगों को परेशानी होगी, हम उस टाइम आज भी तब भी साथ रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, हम लोगों के लिए निकले हैं, हम लोगों के लिए ही काम करेंगे। बिल्कुल, एक कश्मीर का फ्यूचर तो वो तो मुश्किल ही आगे बनना। यहाँ पर लोगों की कमर टूटी हुई है, हालात ख़राब रहे, कोविड आया, उसके बाद 370 ख़त्म हो गए यहाँ पर, उस वजह से यहाँ पर इक्तिसादी हालत काफ़ी यहाँ पर ख़राब हुई है। यहाँ पर जो कश्मीरी जो बिज़नेस चलता था, चाहे वो टूरिज़्म का था, कोई भी बिज़नेस था यहाँ पर, चाहे वो फ्रूट्स का था, वो पूरा ठप पड़ चुका है। कहाँ पर यहाँ पर लोग आज कमाते हैं, कहाँ से कमाई करेंगे लोग, और कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे लोग। यहाँ पर पहले इनको ये चाहिए था कि यहाँ के जो डेलीवेजर है उनको रेगुलर करना चाहिए था, यहाँ पर नौजवान को रोज़गार पैकेज देना चाहिए था, यहाँ पर नौजवानों को यहाँ पर नौकरियाँ देनी चाहिए थी। तो उसके बाद देखा जाता जब यहाँ पर नॉर्मल हालत हो जाती, तो उस वक्त देखा जाता जब यहाँ पर इक्तिसादी हालत ठीक होती, तो लोग तो दे रहे हैं टैक्स, तो ये टैक्स भी देते। लेकिन यहाँ पर लोगों को खाने को कुछ नहीं, तो कहाँ से कौन सा टैक्स देगी, कहाँ से देंगे लोग टैक्स। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।